राखी जी आप यहाँ पे आ जाइए, पीछे रहिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, ठीक है, प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए, आराम से खड़े रहो, ठीक है, थोड़ा सा पीछे, आई रिक्वेस्ट, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, चलो बस बस, ठीक है राखी जी, आज आपका मेडिकल हुआ और आज कोर्ट की पहली हियरिंग भी थी, पूरे दिन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सुबह से मैं टायर्ड ही हूँ, पूरा मेडिकल हुआ आज, लेकर गए थे, बहुत सारे प्रोसेस थे, वो सारे हुए हैं, वो सारा रिपोर्ट तो उनके पास है, मुझे मेरे पास नहीं है, मेरी बॉडी में जितने भी जख्म है वो उन्होंने देखे हैं, और नहीं 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 तो वो सब उनके पास ही है, पुलिस के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोर्ट में हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा सिर्फ मेडिकल हुआ है बस। किस बिहाफ पे मेडिकल हुआ अगर कुछ आपको? मुझे नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कुछ, वो आप सब सीक्रेट है, पुलिस का मामला है, कोर्ट का मामला है, वो प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, वो करना ही पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और राखी जी आज पहली हियरिंग थी, अगर कुछ आप कोर्ट की हियरिंग क्या किस तरह से? उन्होंने बेल डाली थी तो बेल नहीं मिली है, और शायद उनको किसी जेल में भेजा है, आई डोंट नो वेयर। सेकंड हियरिंग कब है क्या? आई हैव नो आईडिया। फाल्गुनी, हाँ आपकी, अगर मेरी एडवोकेट ही बताएगी, अभी नहीं, नहीं सीक्रेट रखिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं कर सकते आप समझ रहे हो मीडिया में, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी मेरा केस कोई भी कमजोर पड़े, नहीं प्लीज, आप समझ सकते हैं ना। थैंक यू। अरे भाई वो सब ऑफ द कैमरा पूछ के कर देता है। रितेश जी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने तो देखा है ना मुझे, वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, उसके बारे में आप क्या कुछ? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी रितेश का, क्योंकि मैंने भी उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है, गोल्डन मोमेंट, उन्होंने मुझे देखा है कि जो इल्ज़ाम आदिल ने मेरे पे लगाए हैं, तो वो इसीलिए वो सामने आया कि नहीं राखी ऐसी नहीं है, तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ रितेश उनका इंडिया में आना, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारी जिस तरह हमें इन्फॉर्मेशन, आप उनके इंटरव्यू लीजिए ना जी, तो वो अगर इंडिया में, इंडिया आने की संभावना कितनी है उनकी, आपकी आपकी बात हुई इस दौरान, आपकी कुछ बात? नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई, मुझे मैसेज आया कि मैंने एक बस ऐसे ही बस, मेरी नहीं ज़्यादा बात हुई है उनसे, वो कंसर्न थे, इज वेरी सैड अबाउट मेरी मॉम एक्सपायर हो गई। आदिल के घर वाले के कोई संपर्क कर रहे हैं आपको, कोई बात करने की कोशिश? कोई बात नहीं, करने की कोशिश कर रहा हूँ उनके घर वाले, मम्मी या फिर एक कल आया था एक बार उनकी मम्मी का फ़ोन, क्यों कर रहे हो मेरे बेटे पे केस ये वो, मैंने कहा मैंने आपको कितनी बार समझाया था आपका बेटा ही नहीं समझ रहा, मैंने उनकी माँ को बोला, उनकी आंट को बोला, छोड़ दो छोड़ दो, 7 महीने से वो बस यही बोल रहे, वो है बच्चा है, ये बच्चा है, 30 साल का ऐसा जुल्म करता, ये बच्चा है, फिर भी उनके कहने पे मैं हमेशा माफ कर देती थी। काफी सारी बातें मेरे शरीर जो मेडिकल हुआ है वो पुलिस से पूछिए, हाँ डॉक्टरों से पूछिए बस, मैं क्या कुछ मेडिकल वो नहीं बता सकूंगी, वो नहीं बता पाएंगे, मैं जा रही हूँ। राखी राखी राखी, नहीं नहीं मैडम, पुलिस को रेस्ट।